मैंने आपके क्लास को रिकॉर्ड भी करा है, ताकि अगर आप में से कोई कभी एबसेंट होते हो किसी भी कारणवश, तो आपके पास मैं सर को रिकॉर्डिंग लेक्चर का भेज दूंगा, वो आपको प्रोवाइड कर सकें। चलिए, सेल के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये बात करना होगा, व्हाट इज सेल? सेल होता क्या है? व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? पहले तो सेल है क्या, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल, कोई बताइए। उधर माइक म्यूट है, माइक को अनम्यूट कर लीजिए एंड देन टेल मी व्हाट इज सेल। बोलो। स्ट्रक्चर वेरी गुड, देखिएगा, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा है ना, सब कुछ क्लियर है मेरा ऑडियो और ये वीडियो? हाँ या ना, सब कुछ ओके? आप लोग, माइक म्यूट मत कीजिए, माइक अनम्यूट ही रहने दीजिए, ताकि आप जो भी बोलिए मेरे तक पहुंच पाए। और आप लोग लिख भी रहे हो साथ में ना, साथ में लिख भी रहे हो? हाँ, तो लिखते रहिए साथ में। इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, एनीथिंग एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट हैज इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज जो सेल से थोड़ा भी कम हो, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट हैज इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपके पास कोई एक वायरस है, अभी आप सभी ने कोविड के बारे में पढ़ा, इट इज अ वायरस, ठीक है? एंड यहां पे मैं बात कर रहा हूं एक सेल के बारे में, दिस इज अ सेल। आप सभी जानते हैं कि एक सेल इंडिपेंडेंटली रह सकता है, इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ये कैसे पता भाई? आप सभी ने अमीबा देखा है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब ये कि अमीबा एक सेल का बना हुआ है या ना? हाँ, तो अगर अमीबा एक सेल का चीज है और वो जिंदा है, रह पा रहा है, तो ठीक इसके बगल में अगर हम बात करें वायरस का, वायरस इज नॉट अ कंप्लीट सेल, नॉट कंप्लीट। आप सभी ने कोविड के वक्त में न्यूज में खूब देखा होगा कि कोविड जब तक शरीर के बाहर होता है, एनी वायरस वेन एवर इट इज आउटसाइड द लिविंग मीडियम इट एक्ट्स एट इट सेल। कोई भी वायरस जब तक किसी लिविंग चीज से बाहर है वो एक मरे हुए सेल की तरह एक्ट करता है। मतलब ये कि मेरे पास एक सेल था ए, ये सेल अगर कंप्लीट सेल है तो ये जिंदा है, इसको शरीर के बाहर भी रखेंगे फिर भी जिंदा रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज वायरस है तो वो इंडिपेंडेंटली जिंदा नहीं रह सकता। वायरस मतलब सेल से थोड़ा कम डेवलप्ड, वायरस मतलब सेल से थोड़ा कम डेवलप्ड। एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट हैज इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज जिसमें जो एक सेल से भी कम है, जिसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो सेल से भी कम है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वायरस जब तक शरीर के बाहर है वो मरा हुआ है, शरीर के अंदर आते ही वो हमारे सेल को यूज करता है और अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। मतलब अगर हमारा सेल उसको नहीं मिलता तो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता, मतलब हमारे पे वो डिपेंडेंट है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई चीज हम पे डिपेंडेंट है तो क्या बोलेंगे? हम पे डिपेंडेंट है मतलब कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और कोई दिक्कत हो तो ईमानदारी से बता दोगे, क्योंकि अगर तुम नहीं बताओगे तो अभी हम आपका फेस नहीं देख पा रहे, इसलिए सबका एक दो फेस ही दिख रहा है, जो हमको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा दिक्कत है, आपको बताना होगा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है हूबहू, एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट हैज इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी अगर हम बात करें, इवन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ दो बात, पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अभी मैंने आपको अमीबा का एग्जाम्पल दिया, वो भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, लेकिन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो है बट एक कंप्लीट सेल है, अमीबा इज अ कंप्लीट सेल, और चूंकि वो एक कंप्लीट सेल है इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ ऑफ इट्स ओन, ये अपने लाइफ का एसेंशियल फंक्शन अपने से परफॉर्म कर सकता है, इट कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ ऑफ इट्स ओन। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, अभी तक मैं किसी पॉइंट को समझने में कोई भी दिक्कत हो बताइए फटाफट, कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, दो पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आप भी हो सके तो कलर चेंज कर लीजिए। आप नोटिस करते हो, अभी देख भी रहोगे, हम लगातार कलर चेंज कर रहे हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, अभी ग्रीन चौथा कलर मैंने यूज करा है। आपके पास भी कम से कम चार कलर का पेन होना चाहिए फॉर बायोलॉजी नोट्स, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम पेन से ही बनाएंगे और हम लोग अलग अलग कलर को यूज करेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग कलर हमारे पास नहीं होगा तो फिर हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा चीज हम कहाँ लेबल करे थे। ठीक है, तो बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट इट इज नॉट यू मे से समथिंग अनयूजुअल, कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं है कि आप चार कलर का पेन यूज करो, आपने बायोलॉजी लिया है आपको यूज करना है, आपका मजबूरी है ये। ठीक है, आई गेस कि आप अगले क्लास से रखेंगे, उम्मीद करो ना कि अगले क्लास आपके पास चार कलर का पेन होगा। ठीक है, चलिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट, सबसे पहली बार सेल कौन देखा था बता सकता है कोई, हु सॉ द फर्स्ट सेल, आप सभी पढ़े हैं नाइन्थ में भी, कौन सा बताइए, कौन पर देखे थे? रॉबर्ट हुक, वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा वापस बोलो, अब तुम्हारा आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा है, उधर से आवाज नहीं आ रहा, मेरा आवाज क्लियर जा रहा है ना, कि मेरा आवाज फ्लक्चुएट हो रहा है? यस सर, फ्लक्चुएट हो रहा है मेरा आवाज? नहीं। ठीक है चलो, तुम्हारा आवाज लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था, वापस से नाम बताओ, अभी ठीक था? नहीं था, फिर नहीं आया, कोई नहीं, तू व्हाट्सएप पे बता लेना हमको। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक सॉ द फर्स्ट सेल, पहला सेल कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक। एक बात यहां ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो उन्होंने फर्स्ट सेल देखा था इट वॉज अ डेड सेल, रॉबर्ट हुक जो सेल देखे थे वो जिंदा था या मरा हुआ, कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, वो डेड सेल था, और किस चीज का था भाई, तो इट वॉज कॉर्क सेल। अभी बोलो सर कॉर्क सेल क्या होता है, एक्चुअली हर प्लांट में लेयर होता है, जैसे अगर आप किसी प्लांट के स्टेम को देखिएगा तो सबसे ऊपर उसके ऊपर छाल होता है ना, पेड़ के ऊपर छाल होता, नहीं होता, जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो तो बोलो नहीं तो मैं दिखा देता हूं, समझ रहे हो या दिखा दो बोलो, समझ रहे हो, नहीं भी समझ रहे हो तो अभी तुम्हारे सामने एक दूसरा स्क्रीन जाएगा और देखो, सबको ये नया स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। रॉबर्ट हुक जो पहली बार सेल देखे थे वो ये सेल था, यहाँ देख पा रहे हो आप लोग इस तरफ, मेरा माउस दिख रहा है सबको? यस सर।
माउस का मूवमेंट दिख रहा ना, ये जो सेल जी है ये कॉर्क सेल है। थोड़ा सा कॉर्क को अगर समझना चाहूँ तो यहाँ देखो, इमेज जूम हो चुका है आपके सामने। ठीक है, देखिए ये है कॉर्क सेल और ये एक डेड सेल होता है। देखो ये एक्चुअली में ना ये पूरा पूरा कॉर्क सेल नहीं है, ये एक स्टेम का, मान लो तुम्हारे पास, मान लो ये कोई प्लांट था, ठीक है, ये कोई प्लांट था, इधर थोड़ा दिखा रहा हूँ, अभी दिख रहा होगा, ये कोई प्लांट है। इस प्लांट को मैं यहां से काट दिया, काटा, और काटने के बाद इसको ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे यहां यहां से देख रहे हैं, समझ रहे हो कैसे देख रहे हैं, समझ रहे हो सब लोग? यस सर। ओके मुस्कान, आप अपना ऑडियो अनम्यूट करिए। म्यूट करें नहीं, अनम्यूट करने का रहे। अच्छा चारों लोग वहीं हो, यस सर। अच्छा ठीक है तब तो, क्योंकि एक और जो तीन लोग तो मुझे दिख रहे हो, और शायद तुम लोग को भी दिख रहा होगा कि एक हमको बार कौन दिख से रहा है, मेंशन एक और कौन है उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा ठीक, कर सर। अच्छा फर्स्ट बेंच में, ठीक है। मुस्कान आप भी जवाब दीजिएगा बाबू, आप एकदम शांत हैं। खैर यहाँ देखो, अगर आप किसी पेड़ को काटोगे और यहाँ से देखोगे, इस तरफ से, इस तरफ से, इस जगह से, तो उसका कुछ सेक्शन ऐसा दिखता है, ऐसा जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो सबसे पहले एक लेयर ये दिख रहा है, देख पा रहे हो सब लोग मेरा माउस का मूवमेंट, सब लोग देख पा रहे हो मेरे माउस का मूवमेंट, दिख रहा है सबको? देखो ये दिखा, नहीं दिख रहा तो बोलो और जूम करते हैं, अभी मेरा माउस दिख रहा है ठीक सबको? है हाँ देखो सबसे पहला लेयर ये है, इसी को बोलते हैं बार्क। बार्क मतलब किसी पेड़ का छाल, ठीक है। अच्छा ये बीच में देखो, यहाँ बीच में देखो, इधर एकदम स्क्रीन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये दो चैप्टर में आएगा कि हाँ, और एक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये दिख रहा है सबको मेरा माउस? देखो बीच में ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं पिथ, क्या बोलते हैं? माउस देखना मेरा, इसको बोलते हैं पिथ। ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ये सब वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम है, यही वाटर कंडक्ट करता है किसी प्लांट में। और ये जो लेयर आपको दिख रहा है ना, ये सब, इन सबको कंबाइनली बोलते हैं कॉर्क। इन सब लेयर ऑफ सेल को कंबाइनली कॉर्क सेल बोलते हैं। कॉर्क सेल किसी एक सेल का नाम नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स का नाम है। कॉर्क सेल ग्रुप ऑफ सेल्स का नाम है, ठीक है, या कोई दिक्कत है बताओ? दिक्कत है सेंटर बोलिए। वाला फिर से बताइए, सेंटर सेंटर वाला वाला फिर से बताइए। ये देखो, ये जो सेल्स का मास दिखा ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क सेल। क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल, ये जो सेंटर में है, और ये जो साइड में है, सॉरी इसको कॉर्क बोल रहा हूँ, पिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिथ, सबसे बीच में जो होता है उसको बोलते हैं पिथ। और ये सब जो सेल्स है इसको बोलते हैं कॉर्क सेल। अभी नहीं से भी समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल डायग्राम के साथ आपको लिखवाऊंगा, भी आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। हाँ तो पहली बार जो सेल उन्होंने देखा था रॉबर्ट हुक, वो एक डेड सेल था। पहली बार सेल रॉबर्ट हुक ने देखा था एक डेड सेल को, और वो डेड सेल किसका था? तो कॉर्क सेल था। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए जल्दी, फटाफट बोलिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है। दिक्कत है? नहीं। अभी देखो ये तो फर्स्ट डेड सेल था, फर्स्ट सेल जिन्होंने देखा रॉबर्ट हुक ने, वो एक डेड सेल देखे थे। तो अभी सवाल उठता है पहली बार लिविंग सेल किसने देखा? तो जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल देखा उनका नाम है एंटोन वॉन लियो वॉन हुक। स्पेलिंग थोड़ा सा टेंशन देता है, LEE लियो वॉन हुक। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया है, ये गड़बड़ हो गया है। LEEUWENHOEK एंटोन वॉन लियो ओन हुक, ठीक है।
तो एंटोन वॉन लियोन हुक फर्स्ट सॉ अ लिविंग सेल, पहली बार लिविंग सेल किसने देखा? एंटोन वॉन लियोन हुक। और वो लिविंग सेल था क्या एक्चुअली? इट वॉज अ स्पर्म सेल। क्या देखा था उन्होंने? स्पर्म सेल। कोई दिक्कत अभी तक तो बताइए। सर अभी अगला पॉइंट, पहली न्यूक्लियस पहली बार किसने देखा, या न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने करा था? उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने करा? रॉबर्ट ब्राउन ने। फटाफट सब लोग लिख लीजिए तो बताइएगा, लिख लीजिएगा तो बताइए फटाफट सर। सब लोग। यस सर। नहीं, कुछ लोग लिख रहा है। पीछे में क्या नाम है बाबू तुम्हारा? लास्ट में जो बैठे हो सर। यार, तुम लोग का नाम हम भूल जाएंगे ऐसे। एक काम, मेरा सब नंबर तो सबके पास है। यस सर। हाँ, तो एक बार अपना नाम मैसेज कर देना पर्सनली, ताकि इनको पता चले कि कौन कौन है यहाँ से, क्योंकि इनको बोलना भी होगा ना। अभी हम बाबू बोलेंगे सब लोग देखेगा कौन है, पता ही नहीं। हमको सिर्फ एक नाम याद है वहाँ, कोई दिव्या, दिव्या ये है ना? दिव्या तुम ही हो ना, सेकंड बेंच पे जो बैठी है किनारे साइड में? नहीं दिव्या भी है ना वहां कोई? टोटल तुम लोग चार हो ना, कितने लोग हो टोटल? हाँ, तो उस दिन हम जब आए थे तो एक दिव्या थी और दो लोग और थे, तो दो पे तो पहचान, तो दिव्या कहाँ गई यार? क्या? अच्छा, दिव्या फर्स्ट बेंच पे। अच्छा, सर। क्या बात, फर्स्ट बेंच पे दिव्या है, यही नाम याद है, क्योंकि अभी तक हम जितने को पढ़ाए मैक्सिमम का यही नाम बड़ा ही कॉमन है। चलो हटाऊं, स्क्रीन साफ करूं, क्लियर करूं। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है कोई बता सकता मुझे? सेल थ्योरी बताइए। अच्छा, सेल थ्योरी दिया किसने था? चलो लिखो। देखो, एक्चुअली सेल थ्योरी क्या है, तो बंद कीजिए, पूरा बंद कीजिए, ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या था एक्चुअली में? सेल को डिफाइन करने के लिए कि सेल क्या है, सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस चीज को सेल बोलेंगे, तो सेल को डिफाइन करने के लिए सेल थ्योरी दिया गया था। सेल थ्योरी दिया किसने था? तो स्लीडन एंड फोन। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है अक्सर। गिवेन बाय स्लीडन एंड फोन, स्लीडन एंड SCHWANN, SCHWANN, एक बार कंफर्म हो लो, SCHW, हाँ ठीक है, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान पहली बार सेल थ्योरी दिए थे, ठीक है। और इन्होंने सेल थ्योरी में दो बातें मेनली बताई। पहला बात, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी में पहली बार उन्होंने ये बताया कि कोई भी सेल हो, कोई भी सेल, या सॉरी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल हो, अमीबा हो मतलब प्रोटिस्टा हो, फंगस हो, वायरस हो, मोनेरा हो, वायरस नहीं,
मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, इन पांचों में से कोई भी हो उनका जो बॉडी होगा वो किसका बना होगा, सेल का बना होगा। पहला बात उन्होंने बताया था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है, सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स भी कर लो, सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब उनका प्रोडक्ट्स का मतलब क्या, हम ये समझा देता हूँ। जैसे मान लो बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बन गया, बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बन गया, तो फाइनली ये टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है, ऑर्गन किससे बना है, सेल से ही बना है। तो ये चीज या तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सेल से बना होगा या सेल के मिलने से जो प्रोडक्ट बना उससे बना होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो पॉइंट उन्होंने बताया कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल या उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। दूसरा पॉइंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक डिफरेंस था थोड़ा सा स्लीडन और स्वान के डेफिनेशन में। स्लीडन सेल थ्योरी, देखो सेल थ्योरी में दो पार्ट है ना, इन दो पार्ट में से स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। क्या थे, बॉटनिस्ट, जो मैंने पहला क्लास में आपको बताया था बॉटनी और जूलॉजी में डिफरेंस, आई गेस आपको याद होगा। बॉटनी में किसको स्टडी करते हैं, प्लांट को, और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। फैन चला दीजिए, ये जूलॉजिस्ट थे, और जूलॉजिस्ट मतलब किसको स्टडी करेंगे, एनिमल। तो स्लीडन ने बताया, स्लीडन का जो कंट्रीब्यूशन था सेल थ्योरी में, उन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब ये वाला पहला पॉइंट। ये जो पहला पॉइंट है ये कौन बताए थे, स्लीडन बताए थे। और स्वान दो बात बोले, स्वान बोले कि जितना भी एनिमल सेल है उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात आप सभी को पता है कि सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, पता है ना, सेल वॉल एनिमल में नहीं होता, प्लांट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, फंगस में होता है। ये सब मैंने उस क्लास में बताया भी था, ये मैंने लिखवाया भी था बकायदा। फंगस में काइटिन का बना होगा, प्लांट में सेलुलोज का बना होगा, प्रोटिस्टा में या तो सिलिका का होगा या नहीं होगा, मोनेरा में, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होगा, ये मैंने आपको बताया था बकायदा। याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस से एक बार सुन लीजिए कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। तो अगर आपको सेल का डायग्राम क्लास 9 से थोड़ा सा भी याद है, तो ये है एक सेल, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका साइटोप्लाज्म। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन लेकिन जो मेरा कंसर्न है उसका बात मैं कर लूं। इस सेल के ऊपर एक लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन का, किसका लेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन। और अगर यही सेल प्लांट सेल होता तो इस पे सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर एक और लेयर होगा, वो किसका होगा, सेल वॉल। इफ इट इज अ प्लांट सेल तो यहां एक और लेयर होगा, किसका, सेल वॉल। अगर प्लांट होता तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, तो आप क्या बताइएगा, सेल सेल वॉल। अच्छा अगर मैं पूछूं विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, तब क्या बताइएगा, में सेल में। क्यों, देखो भाई नॉर्मली सेल का आउटर मोस्ट लेयर प्लांट में सेल वॉल होता है या नॉर्मली और भी किसी किंगडम में, बट अगर सेल वॉल हो ही नहीं, इफ देयर इज नो सेल वॉल, तब ये लेयर तो गया। मैं करके दिखा रहा हूं, ये लेयर तो गया, और अगर वो लेयर चला गया
तो अब जरा बताओ आउटर मोस्ट कौन बचा, सेल वॉल नहीं तो आउटर मोस्ट बचा कौन, सेल मेंब्रेन। तो स्वान का कहना था कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन का ही एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होता है। और एनिमल प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सा है, सेल वॉल। अभी तक कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी देखो ये जो सेल थ्योरी था इसमें नॉर्मली कोई गलती नहीं दिखा मुझे, सेल थ्योरी में मुझे कोई गलती नहीं दिखा। बट बात दरअसल यह है कि सेल थ्योरी में कुछ गलती है। आपने ये तो बताया सेल क्या है, सेल क्या करता है, सेल से लाइफ कैसे बनता, आपने सब बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आखिर नया सेल बनता कैसे है। आपने बताया है क्या सेल थ्योरी, मैंने अभी तक ये नहीं बताया। तो लिखिए ड्रॉबैक, सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, डिड नॉट एक्सप्लेन। थोड़ा फास्ट ना, क्योंकि 4 मिनट में ये सेशन एंड होगा, हम लोग रिजमाइंड करेंगे। डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। आप सब कुछ बता लेकिन आप ये नहीं मुझे बता पाए कि सेल तो ठीक है बट आखिर नया सेल बनता कैसे है, ठीक है, ये आपने नहीं एक्सप्लेन करा। इस कमी को दूर करने के लिए एक और थ्योरी आया, एक्चुअली एक और थ्योरी नहीं आया, एक साइंटिस्ट थे आर वर्चौ, क्या नाम था उनका, आर वर्चौ, इन्होंने एक लाइन बोला, उन्होंने कहा पागल टाइप के थे, कुछ भी बड़बड़ाते रहते थे, उन्होंने क्या बड़बड़ाया सुनिए, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, कोई सुने उसको, नहीं सुने, पागल थे भाई, कुछ भी बोलते रहते थे। उन्होंने एक ग्रीक में एक्चुअली में कहा था, उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है, ये भी पूछता है बच्चा, ये यूं ही नहीं बताया मैंने, ऑमनिस सेलुलाई सेलुलाई भी पूछता है कि आखिर आर वर्चो ने क्या कहा था ग्रीक में, ऑमनिस सेलुलाई सेलुला। न्यू सेल्स, फास्ट लिखना, लास्ट बेंच पे जो बच्चा है वो तुम लिख नहीं रहे हो, साथ साथ लिखो क्योंकि टाइम एंड हो रहा है, फिर सब कुछ ऑटोमेटिक मिट जाएगा, 2 मिनट के बाद सब कुछ ऑटोमेटिक मिटेगा, इसलिए बोल रहा हूँ साथ साथ लिखो। न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने ये बात को बताया कि न्यू सेल्स जो हैं, जो नए सेल हैं, वो पुराने सेल से ही बनते हैं, तो कुछ बोल रहा है बोलो। अच्छा ठीक, तो जैसे ही उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो ये ड्रॉबैक यही था ना मेरा, मेरा प्रॉब्लम तो यही था कि आपने ये नहीं बताया कि आखिर नए सेल बनते कैसे हैं। आर वर्च आए, उन्होंने अपना बोला ओमनी सेलुलाई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि नए सेल पुराने सेल से ही बनते हैं, मतलब ये मेरे बॉडी का एक आरबीसी था, यही आरबीसी डिवाइड कर जाएगा और 2 सेल बनाएगा, मतलब इसी, ये जो नया सेल है ये कैसे बना, तो पुराने सेल से ही बना, ठीक, यही था आर वर्चो का थ्योरी। आर वर्चो के थ्योरी आने के बाद सेल थ्योरी का ड्रॉबैक खत्म हो गया। सेल थ्योरी के ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, क्या मतलब होता है, कमी। तो जैसे ही आपने आर वर्चो ने अपना सेंटेंस बोला तो ये सेल थ्योरी का कमी पूरा हो गया, और सेल थ्योरी की कमी को पूरा होने की वजह से अब हम क्या करते हैं, अभी के टाइम में हम लोग सेल थ्योरी में 3 पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट, ये 2 तो था ही, साथ में हमने इस पॉइंट को भी जोड़ लिया, किसको, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को भी जोड़ लिया। और इन तीनों सेंटेंस को जब हम सेल थ्योरी में जोड़ दिए, मतलब ओमनी सेलुलाई सेलुला को भी जब हम लोग सेल थ्योरी में जोड़ दिए, तो सेल थ्योरी का एक नया नाम हुआ
सेल लीनियर थ्योरी व्हेन थर्ड पॉइंट इज एडेड। समझ के बात, जब हम लोग तीसरा पॉइंट भी जोड़ दिए तब उसी सेल थ्योरी का नाम बदल के क्या रखती है, सेल लीनियर थ्योरी। तो खैर अब टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, बस एक बार रिकैप कर दो इस वाले सिस्टम पर।